करने जा रहे हैं बोर मॉडल। इससे पहले रदरफोर्ड मॉडल हम कर चुके थे। रदरफोर्ड ने ये बता दिया था न्यूक्लियस होता है, और आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हम अब पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल एक स्टेबल एटम को बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और किस तरह से बताता है, कुछ पॉइंट्स देता है कि हाँ इस तरह से एक एटम को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो हमें एक स्टेबल एटम मिल जाएगा। तो उसने कुछ पॉइंट्स बोले। फर्स्ट उसने कहा, सबसे पहले कुछ बातें पुरानी ली, कुछ नई ऐड करी। उसने कहा सबसे पहले वही बातें जो रदरफोर्ड की है वही उसने फॉलो करा कि ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ, वही वाला पॉइंट्स जो न्यूक्लियस था, यानी कुछ पॉइंट्स तो पुराने ही थे। इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ। तो पुराना वाला पॉइंट क्या उठाया कि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, हमारे न्यूक्लियस पे ही है। लेकिन अपनी तरफ से उसने नया क्या बोला, वो ये था सर्कुलर पाथ, एंड दिस सर्कुलर पाथ एंड दिस सर्कुलर पाथ आर नॉन एज एनर्जी लेवल। तो पहली बार किसी ने कहा कि इन्हें हम एनर्जी लेवल कहेंगे। बाद में इसे शेल और ऑर्बिट भी कहा गया। और स्टेशनरी स्टेट भी बोला गया। ये सारी चीजें हमने बाद में इसको बोलना शुरू कर दिया, यानी हमारे लिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल स्टेशनरी स्टेट। मैं उसके बात से सहमत था कि हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं जा रहा, अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो उसने कहा दो बातें बताई। फिर उसने कहा इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। उसने कहा सिस्टम में, यानी किस तरह से बात करा, सेकेंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ देन टू फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन बट सेम अमाउंट आर वर्किंग बट सेम अमाउंट आर वर्किंग सो नेट फोर्स बिकम जीरो एंड ड्यू टू दिस इफैक्ट लीनियर मूवमेंट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। यानी हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स भी होगा, एफ अट्रैक्शन, और एक रिपल्शन फोर्स भी होगा जो बाहर की तरफ होगा, एफ
रिपल्शंस। एक को कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल और एक को बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। जो बाहर की तरफ मूव कर रहा है एफ रिपल्शंस, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, और इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है, आप एक स्टोन को एक रस्सी से बांध से रॉप से बांध के घुमाएंगे, तो अपने आप देखेंगे जैसे ही आप रॉप को छोड़ेंगे वो कहाँ की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हमेशा उसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा था, और वो था एम वी स्क्वायर। और यहाँ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये बात किसने बताई? आर स्क्वायर, कुलाम ने। तो दो फोर्स लग रहे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और उसने कहा दोनों बराबर है। हमने देखा क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो हम क्या करें? उसकी बात मानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसी जगह रोटेट कर रहा है। तो कभी भी अगर हम दोनों बारे में बात करेंगे फोर्स की, तो हमें कुछ इस तरह से बोलना पड़ेगा कि दोनों फोर्स रेडिकली, रेडियली, रेडियली का मतलब रेडियस की तरफ मूव करते हुए अंदर और बाहर लगेंगे। तो ये हमारे पास इसी का पॉइंट रहेगा, ए पॉइंट इसी के अंदर, बोथ फोर्स आर वर्किंग रेडियली रेडियली इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। तो हमारे लिए दोनों रेडियली, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। ये रेडियली का मतलब क्या है? कि जब यहाँ है तो रेडियस इस तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। जब ये यहाँ है तो ये इस तरफ जाएगा, ये बाहर की तरफ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये इस तरफ लगेगा, ये बाहर लगेगा। यानी कि इनकी डायरेक्शन रेडियली चेंज होती रहेगी रेडियस की तरह। तो हमेशा रेडियस की तरफ वर्क करेगा। रेडियस इस तरफ है तो ये हमारे पास इस तरफ लगेगा और एक बाहर की तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? तो उनका फोर्स का डायरेक्शन हमेशा चेंज रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। कुछ समझ में आई मेरी बात? तो नेक्स्ट इसी के अंदर सी पॉइंट बी पॉइंट और हमारे पास बन जाएगा। अगर हम दोनों फोर्स को बराबर कर दें, एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एक के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन बराबर नहीं है। एक पॉजिटिव और एक क्या है? नेगेटिव है। एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है। तो आप ही बताइए क्या हो जाएगा? आर से आर कट जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा? एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू क्या आएगी? के क्यू वन क्यू टू। और आप अच्छे से जानते हैं के तो क्या, के की वैल्यू क्या होती है? के यहां पर क्या होता है? के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट। इसको बोलते हैं कुलाम कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹। और ये आएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर। सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। इसकी सीजीएस वैल्यू भी होती है, कितनी होती है वैल्यू, कौन बताएगा मेरे को? सीजीएस वैल्यू के की होती है 1। के की सीजीएस वैल्यू है 1, सिंपल। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ESU स्क्वायर। तो के जो प्लांक कॉन्स्ट, सॉरी के यहां पर प्लांक कॉन्स्टेंट नहीं है, कुलाम कॉन्स्टेंट है। उस कुलाम कॉन्स्टेंट की वैल्यू MKS में 9 × 10⁻¹ है और CGS में 1 है। तो आप किस में सॉल्व कर रहे हैं देख लीजिएगा। मैं तो हमेशा MKS में यूज करता हूँ, इसलिए MKS वाली यूज कर लेता हूँ। डाइलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट आ जाएगा एफ साइलेंट नॉट, जो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीडियम कौन सा है। ये वैल्यू मैंने जो निकाली है वैक्यूम में है। चलिए खैर, तो हम के को के ही रख लेते हैं। क्यू वन क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई। क्यू टू क्या है? चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जेड ई। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या रहेगी? एम वी स्क्वायर आर की वैल्यू क्या रहेगी? के जेड ई स्क्वायर। ये याद रखने वाली इक्वेशन है, एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। तो हमारे दो रिजल्ट्स हो गए, पहला ये, और एक ये भी हमने साथ के साथ कर लिया कि के की वैल्यू सीजीएस में 1 है। मैं बहुत सी बार क्वेश्चन सीजीएस में कर जाता हूँ, देख लेता हूँ यार सारी वैल्यू सीजीएस में दे रखी है, कौन मेहनत करे एमकेएस में कन्वर्ट करके आंसर निकाला। लिखें इसको। तो ये जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आया बी, ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे
हमने बोर से कहा कि भाई ठीक है, आपने ये तो बता दिया हमारे को कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है और स्टेबल भी है, और हमारे पास एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर आपने इक्वेशन हमें बता दी। अब आप ये बताएं कि क्या एक ऑर्बिट हर जगह इलेक्ट्रॉन रोटेट कर सकता है क्या? उसने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिल सकता। मैंने कहा कैसे? उसने कहा ऐसे समझिए कि आप घर के अंदर हर जगह थोड़ी ना रह सकते, जहां दीवारें बनी है वहां आप नहीं रह सकते। मैंने कहा हाँ वहां नहीं सो सकते, दीवारों के अंदर थोड़ी ना घुसूंगा मैं। उसने ऐसे ही कुछ बताया कि इलेक्ट्रॉन भी उन्हीं ऑर्बिटल में रह सकते हैं जहां उनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई हो। मतलब साफ था कि हमारा थर्ड पॉइंट इंतजार कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रोटेट ओनली इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ वेयर एंगुलर मोमेंटम इज फिक्स्ड, यानी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, और एन की वैल्यू यहां पर 1, 2, 3 वगैरह वगैरह होगी। मैंने कहा या मैंने यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स बनाए, यानी मेरे पास अगर एन की वैल्यू 1 है तो एम वी आर की वैल्यू क्या होगी? एच अपॉन टू पाई। एन की वैल्यू 1, एच एम वी आर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एच अपॉन टू पाई। पहला समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर एन की वैल्यू मैंने 2 रख दी तो एम वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? एच अपॉन 2H अपॉन 2 पाई, यानी कि H अपॉन पाई। तो H अपॉन 2 पाई और H अपॉन पाई के बीच में कोई भी एम वी आर की वैल्यू पॉसिबल है क्या? नहीं। इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? ये इसके जस्ट बाद वाली कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? ये इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो पॉसिबल होगी। समझ में आ रही है बात? तो अगला पॉइंट, एन की वैल्यू 3, यानी हमारे लिए एम वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3H अपॉन 2 पाई। तो ये हमारे पास उसने किसने बोर ने एक और बात बताई कि आपका एंगुलर मोमेंटम हर वैल्यू नहीं रखेगा। जैसे नोट नहीं रखते ना, नोट आज करेंसी की बात करें, आपको 10 का नोट मिलेगा, 20 का मिलेगा, 15 का नोट चलता है, 35 का चलता है, सही है, 100 का चलता है, हाँ, 200 का चलता है, हाँ, 300 का चलता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मनी क्वांटाइज है, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है वो। तो इसका मतलब हमारे लिए क्वांटाइज का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। एक ऐसी चीज क्वांटाइज है जो एक फिक्स वैल्यू के में प्रेजेंट रहती हो। समझ में आ रहा है? हर वैल्यू जिसकी पॉसिबल नहीं हो, आसान भाषा में। तो हम लिखेंगे इसके अंदर, थर्ड के अंदर फर्स्ट ए पॉइंट, यानी हमारे लिए एंगुलर मोमेंटम, लिखते जाए एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज, यानी ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, ऑल वैल्यू आर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, इसको बोलते हैं क्वांटाइज। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दो वर्ड है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है कंजर्वेशन और एक होता है क्वांटाइज। अंतर है, कंजर्वेशन का मतलब तो कंजर्वेशन ही होता है और क्वांटाइज का मतलब क्वांटाइज होता है। चलो बताता हूँ। कंजर्वेशन का मतलब देखा जाए, जैसे एनर्जी इज द कंजर्वेशन क्वांटिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जिनको क्रिएट भी नहीं करा जाए, डिस्ट्रॉय भी नहीं करा जाए, वो कहलाती है कंजर्वेशन। और क्वांटाइज का मतलब ऑल वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइज। तो आप ये बताइए, चार्ज कंजर्व भी है और क्वांटाइज भी है, दोनों है? यस। चार्ज कंजर्व कैसे? चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप जितना पॉजिटिव है, मतलब किसी भी रिएक्शन में देख लो नेट चार्ज क्या रहता है, सेम। अगली बात, क्या क्वांटाइज है? हाँ, किसी भी पार्टिकल पे चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन का होगा या दो इलेक्ट्रॉन का होगा। किसी ने कभी सुना आपने कि इसके ऊपर पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, और इसके पास फ्री पार्टिकल है और इसके पास e/4 का या 3e/4 का चार्ज है? नहीं है,
ई का हो सकता है, 2E का हो सकता है, 3E का हो सकता है, तो इसका मतलब चार्ज भी हमारे लिए क्या है, क्वांटाइज है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 चार्ज पॉसिबल है? हाँ। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 20 चार्ज पॉसिबल है? नो, चार्ज फ्रैक्शनल पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो भी जो हर वैल्यू पॉसिबल नहीं हो जिसकी, वो भी क्या है, क्वांटाइज। तो चार्ज क्वांटाइज है, बोलो यस और नो, क्लियर है? तो कुछ चीजें क्वांटाइज ही होती है, उसमें ये चार्ज भी है। तो आप ये बताइए, यानी हमारे पास एम वी आर की वैल्यूज कौन कौन सी होगी, स्टार्टिंग करो एच अपॉन 2 पाई, फिर अगली वैल्यू कौन सी होगी, इसके बाद जस्ट एच अपॉन पाई, फिर उसके बाद 3H/2π, फिर उसके बाद 2H/π, फिर उसके बाद 5H/2π, सही है? इसके अलावा और कोई वैल्यू आपको दिखती है तो वो पॉसिबल नहीं होगी। फिर उसके बाद 6H यानी 3H/π, फिर 7H/2π, कुल मिला के 0.5H/2π ऐड कर रहा हूँ मैं, यस और नो? और फिर उसके बाद 4H/π, फिर उसके बाद 9H/2π, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये हर बार H/2π ऐड होता जा रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H/2π को हम क्या बोलते हैं, एच बार। तो एन एच बार, एच बार का मतलब H/2π। तो सबसे पहले एच बार, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक हो गया, फिर आपके पास एच बार कैसे निकालोगे आप, एच बार, 2H/, 3H/, H/2π को एच बार बोले, 4H/, 5H/, 6H/, समझ में आ गया, या लगा के, या फिर आप ऐसे आगे जा सकते हो, 7H/, ये 7H/ ही है, 8H/, ये 8H/ भी है, 9H/, कोई डाउट किसी को? इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग, एंगुलर मोमेंटम्स, इज ऑब्लिक आर पॉसिबल, ए 3H/5π, बी 2H/, सी 3/2H/, डी 3/2H/π, ई 6H/π, एफ H/2H/3π, जी 5/2H/, तो आप बताइए ए बी सी डी ई एफ जी कौन पॉसिबल है, क्या ए पॉसिबल है, जल्दी से बोलो हाँ या ना, नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप देख लो इस लिस्ट में भी नहीं है। H/2H/ है, हाँ 2H/ है, 3/2H/ है, नहीं है, क्योंकि एच बार में अगर बात करें तो 3 के बाद सीधा 4 आता है और 2 के बाद सीधा 3 आता है, तो ये भी नहीं है, और 1 के बाद सीधा 2 आता है, यानी 3/2, 1.5 एच बार में 1 फ्रैक्शनल पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रैक्शनल में एच बार पॉसिबल ही नहीं है। 3H/2π पॉसिबल है, हाँ 3H/2π, बोलो यस और नो? क्या 6H/π पॉसिबल है, हाँ या ना, हाँ, यहां आएगा बहुत ज्यादा बात आगे, जैसे 4 आया ना 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, अगर 6H/π है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो 12, बिल्कुल सही है, n की वैल्यू यहां क्या होगी 12, आप चाहो तो रख दो एम वी आर इक्वल टू NH/2π में रख के देख लो आप, 12 आएगा, सही है? क्या ये वाली चीज पॉसिबल है, नहीं, पक्का? क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो कितनी पॉसिबल है, 1, 2, 3, तो इंटीजर में भी पूछा जा सकता है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप इस तरह के क्वेश्चन करने में कैपेबल है। तो ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपके पास पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो ए और ये बी,
तो यहां पर लिख सकते हो पॉसिबल वैल्यूज आर, ये पॉसिबल वैल्यूज है। तो यहां आपको पूरा एक अच्छा एग्जांपल विद सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं। तो आपने बोर के दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स पढ़ लिए, पहले में उसने ऑर्बिट एनर्जी लेवल डिफाइन करा, दूसरे में उसने स्टेबिलिटी बताया एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर, और तीसरे में एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई बताया, बताया या नहीं बताया। तो ये तीनों पॉइंट्स हमारे लिए बोर की बहुत अच्छी देन रही। अब आगे टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल्स। आपने बोर मॉडल्स को करा तो हम एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल्स करेंगे, और उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन करेंगे हम कैलकुलेशंस ऑफ वी। हेडिंग रहेगा, मेन हेडिंग रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल। एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल में सबसे पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। मैं शेल और ऑर्बिट एनर्जी लेवल कुछ भी यूज कर सकता हूं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी हमारी, किसकी? बोर मॉडल की, जो बताया। तो बहुत आसानी से था, कोई खास ये नहीं था। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रोटेट इन स्टेशनरी पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी वी है। मीटर पर सेकंड में, ठीक है। आज हमारे को यही निकालना है। तो हम ये तो जानते हैं एम वी आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर। बोलो जानते हो या नहीं जानते? जानते हो। और एक और चीज जानते हो आप, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। क्या किया जाए कि वी आ जाए, डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई करा? अरे वाह, आपने तो बता ही दिया, इक्वेशंस वन डिवाइडेड बाय टू कर दीजिए। तो जब करेंगे तो क्या बचेगा? वी। तो क्या बचेगा? टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बोलो क्लियर है? वैल्यू रख दो आप, टू की वैल्यू टू, पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू के 9 × 10⁻⁹, जेड की वैल्यू जेड, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹⁹ स्क्वायर, एन की वैल्यू एन, पाई की वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴। सारी वैल्यू एमकेएस में रखी है। 2.18 × 10⁶ मेरे पास आया, और जेड बाई एन, क्योंकि सारी वैल्यू एमकेएस में रखी है, तो आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा। तो ये बात तो हमारे को पता चल गई कि ये हमारा आंसर आ रहा है मीटर पर सेकंड में। ये तो अब आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वी की वैल्यू 2.18 × 10⁶ जेड बाई एन हो गया मीटर पर सेकंड में। अब पॉइंट नंबर ए, साइड रिजल्ट। ये तो मेन रिजल्ट था, मेन पॉइंट था। फर्स्ट आपने करा विजन, आपका विजन क्या है? विजन का मतलब समझ गए? डीकोड करो जल्दी से, विजन का मतलब क्या है? विजन, समझ में आ गया? विजन, वी प्रोपोर्शनल जेड बाई एन, ये होता है विजन का मतलब, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट, कांस्टेंट कोई काम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आप यूज कर रहे हो तो के लगा देना। दूसरा पॉइंट, वी वन एन वन अपॉन जेड वन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वी टू एन टू अपॉन जेड टू, और ये वैल्यू होगी 2.18 × 10⁶ जो कि के है आपके लिए, कोई डाउट नहीं है। थर्ड पॉइंट सी, अगर आप वेलोसिटी को देखेंगे तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वी वन रेशो वी टू रेशो वी थ्री या वन टू थ्री,
आपके लिए ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर है, तो बताओ क्या होगा ये रेशियो, 1:1 रेशियो 1:1 रेशियो 1:2 रेशियो 1:3, यानी 6:3:2। समझ में आया बात? मैं फिर समझा देता हूं, यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है, यहां वेलोसिटी v3 है, ये न्यूक्लियस है आपका, क्लियर है? थ्री डिफरेंट ऑर्बिटल में वेलोसिटी v1 v2 v3 है और उनके ऑर्बिट नंबर 1 2 3 है। तो बहुत छोटी बातें, कोई ज्यादा खास दिमाग नहीं लगाना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये आपके पास एक और रिजल्ट हो गया जो आपको मदद करेगा, सी डी। तो इस हिसाब से अगर वेलोसिटी और एन के बढ़ते हुए में हम बनाए, तो जितना ज्यादा एन बढ़ेगा वेलोसिटी उतनी क्या होगी, कम। तो किस तरह का रिलेशन है वी और एन के लिए? हाइपरबोला, जेड कांस्टेंट है। जब भी इस तरह का कोई कर्व बनाते हैं तो एक चीज को कांस्टेंट बना के रखो, तो ये इस तरह से जाएगा। एन की वैल्यू मिनिमम कितनी पॉसिबल है, 1, इसलिए हमने एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करी। करते तो वी की वेलोसिटी कितनी आ जाता, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। लाइट से ज्यादा वेलोसिटी किसी की पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप एन की वैल्यू भूल कर भी आप 0 नहीं रख सकते। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ एक और पॉइंट, क्या वेलोसिटी क्वांटाइज्ड है एटम के अंदर? एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल वेलोसिटी इज क्वांटाइज्ड और नॉट, यस और नो? यस, क्वांटाइज्ड है। आप देख लो आपकी वेलोसिटी 2.18 × 10⁶ के ऑर्डर में चलेगी। पहले लिखो इस पॉइंट को, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कंडीशन देखो, इज क्वांटाइज्ड। इस क्वांटाइज कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है वेलोसिटी की? आप जानते हो वेलोसिटी की पॉसिबल वैल्यू होगी 2.18 × 10⁶, जिसको आप के बोल सकते हो। फिर दूसरी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 2 का डिवाइड करता जाएगा, 2.18 × 10⁶ / 2, 2.18 × 10⁶ / 3, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा था मैं, और 2.18 × 10⁶ / 4। तो क्या ये क्वांटाइज नहीं दिख रही, हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए क्वांटाइज के लिए। क्वांटाइज के लिए बस एक ही डेफिनेशन लगेगी, और वो ये है कि ये हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या थी, mvr = nh/2π, h क्या है, 10⁻¹⁴, तो वो तो वैसे ही इंटीजर नहीं हो सकता कभी। आप सोचो h की वैल्यू क्या है, 10⁻¹⁴, फ्रैक्शनल वैल्यू है बहुत बड़ी। तो यहां पर भी हम इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंटीजर मैंने कभी नहीं बोला, इंटीजर तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये हमारे पास छोटा सा पॉइंट आ रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट था जो आपने यहां करा। अब बात आती है, ऑर्बिट सेम रख लेते हैं ई, और हम क्या रखना चाह रहे हैं, जेड और एन के बीच में रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, और हम जेड और वी के बीच में, सॉरी 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 सॉरी, इनवर्सली चल रहा है, यहां हमारे को वेलोसिटी इधर रखना चाहिए था, तब भी खैर आंसर तो यही रहता, नहीं सही था, वेलोसिटी कम होती जा रही है, एन बढ़ता जा रहा था। अब अपन को वेलोसिटी और जेड के बीच में हमें यहां पर कर्व बनना है, कैसा जाएगा? बिल्कुल, जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी, जेड की वैल्यू कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, 1 से लेके कुछ भी पॉसिबल है। 0 वैल्यू पॉसिबल है क्या जेड की? नहीं, तो ये 0 को टच नहीं करेगा, डॉटेड,
और यहां आपके पास इस तरह से जाएगा, क्योंकि आप जानते हो यहां मैंने एन की वैल्यू वन या कॉन्स्टेंट रख रखी है, जो भी है। तो वी प्रोपोर्शनल जेड, कोई दिक्कत? और अगर आपको दिक्कत है तो आप ये बता दें कि ये टेन थीटा, ये थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? इस जगह एन की वैल्यू वन है, बताओ जल्दी से। आप अच्छे से जानते हो टेन थीटा, आप क्या अच्छे से जानते हो, आप इतना जानते हो इसका वैल्यू कहां से निकलेगा। मैं आपको बता दूं, वी इक्वल टू के विजन, विजन क्या जानते हो आप ये बात? आपके लिए वी और जेड का जो रेशियो है, वी और जेड का रेशियो है, वो आपके पास क्या आएगा? वी बाय जेड, के बाय एन, ये आएगा आपके थीटा, टेन थीटा की वैल्यू। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? और अगर आपसे कहा जाए के की वैल्यू क्या है, तो क्या आप के की वैल्यू भी बता सकते हो? सोच के बोलो। और एन इक्वल टू वन दे रखा है सपोज, तो एन की वैल्यू यहां वन रख लो। के की वैल्यू क्या थी? एक लाइन पहले जाओ, एक पेज पहले जाओ, फोल्ड करो और वहां से के की वैल्यू बताओ मेरे को। आपको नहीं मालूम तो आपने वी की वैल्यू रखाई थी, और वी की वैल्यू थी टू पाई के, ये वाला के अलग था, ये तो था कुलाम कांस्टेंट, और ये ऐसे ही कांस्टेंट ले रखा है मैंने, टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, यही था। एन की वैल्यू एच वन और जेड की वैल्यू वन, तो हमारे लिए एन एच, ये तो वी की वैल्यू थी, तो हमारे लिए ये जो के वैल्यू रहेगी, के यानी मैं यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू जो लिख सकता हूँ वो लिखूंगा मैं सिर्फ के, और के की वैल्यू इस जगह जो आएगी इसको के डैश लिखना पड़ेगा, ये स्मॉल कैपिटल के लिख दो, ये स्मॉल के है, और टू पाई के ई स्क्वायर, बस ये रहेगा आपके लिए। कोई दिक्कत आ रही है समझने में? टोटल मैथ से जेड की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन रखनी नहीं है वैसे तो, जेड की वैल्यू, एन की वैल्यू वन अपॉन एच भी आएगा आपके पास। हाँ अब सही है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपके पास ये होगी, वी बाय जेड, वी बाय जेड, जेड उधर चला गया, एन की वैल्यू वन है, टू पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, ये है कुलाम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट अपन ने लिया था ना पूरे उसको, जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड थी, ये कैपिटल के है, और जेड की वैल्यू हमारे पास, सॉरी के की वैल्यू ये है हमारे पास। ये कूलाम कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी के लिए कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? उतार लीजिए ये दोनों। इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल ऑफ हीलियम प्लस। ध्यान से देखिएगा, ये थ्योरी पूरी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि ये लगेगी नहीं मल्टीपल में, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होती इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काउंट होगा, और वो हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड शेल ऑफ हीलियम, हमें लेना है, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया था वीजन, वी जेड बाई एन, तो वी वन एन वन अपॉन जेड वन इज इक्वल टू वी टू एन टू अपॉन जेड टू। बोलो या सुनो, वी वन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? थर्ड, थ्री। जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है? वन। वी टू आपको निकालना है, एन टू कितना दे रखा है? टू। जेड टू क्या दे रखा है? टू। हीलियम है, दो से दो कटा, तो वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? टू एक्स मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, थ्री एक्स आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सबने सही करा ये, वेरी गुड। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ऑफ हीलियम इज एक्स, यानी हमारे लिए हम अच्छे से जानते हैं वी वन अपॉन वी टू इज हमारे जेड बाई एन आता है, जेड बाई एन आता है, तो एक तरह से क्या हो गया एन टू बाई एन वन की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स। बोलो यह सुनो, हमसे क्या पूछा जा रहा है? एन वन बाय एन टू, तो क्या आंसर आएगा?
वन बाई एक्स, इसके ऑप्शन दे सकते थे एक्स वन बाई एक्स, एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर, आंसर क्या जाएगा वन बाई एक्स। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट, लिखें इनको। सेकेंड एप्लीकेशन, कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस, ये सेकेंड एप्लीकेशन है बोर मॉडल की जो हमें बताता है कि हम कैसे निकाल रहे हैं। और हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, जानते हैं या नहीं जानते हैं? और एक और चीज जानते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू भी जानते हैं अब तो हम, टू पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। बोलो यस और नो, इक्वेशन वन एंड टू, ये दोनों वैल्यूज हम अच्छे से जानते हैं। तो हम वी की वैल्यू वहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी की वैल्यू रख दी टू पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच और आर, तो हमारे पास हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई। अरे वाह इजी है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर और बोलो एम, ये हो गया हमारे पास आर। आर की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो बाकी सब वेरिएबल है, और आर की वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं तो हमारे पास सारा कांस्टेंट एक बड़ा कांस्टेंट मान ला लेते हैं के, कैपिटल के, और हमारे पास हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, ये हमारे पास आर की वैल्यू रहेगी। सही है, साउंड क्लियर है? तो हमारे पास ये हो जाएगा आर इक्वल टू के एन स्क्वायर बाई जेड, और यहां पर सारी वैल्यू रखने के बाद के की वैल्यू आएगी आपके पास 0.529 इंटू 10⁻¹⁰ मीटर, क्योंकि आपने सब चीजें एमकेएस में रखी है। अब इसको अंगस्ट्रम में चेंज कर दो, तो 0.529 अंगस्ट्रम, 10⁻¹⁰ मीटर इक्वल टू 1 अंगस्ट्रम होता है, खत्म बात। तो यहां हमारे पास आ जाएगा आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड अंगस्ट्रम में। तो कुछ छोटे छोटे रिजल्ट भी आएंगे, जैसे ए क्या रिजल्ट आएगा, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, तो मैं पहला बोलूंगा रनाज, रनाज, रनाज का मतलब आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, ये आर ये एन ये आ ये जेड, रनाज, आ का मतलब पावर, तो रनाज आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हमारे पास हो गया रनाज। एक एप्लीकेशन हमारी, दूसरी एप्लीकेशन दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं आर वन रेशो आर टू रेशो आर थ्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हम सेम एटम के अंदर बात कर रहे हैं, एन की वैल्यू वन टू थ्री है, तो रनाज एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी वन रेशो फोर रेशो नाइन। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये रहेगा वन रेशो फोर रेशो नाइन, क्लियर है? अगर आप यहां पर कर्व बना रहे हो किस किस के बीच में, आर प्रोपोर्शनल एन के बीच में, तो ये कर्व ऐसे जाएगा, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर का कर्व। और अगर आप कर्व बना रहे हो किसके बीच में, आर प्रोपोर्शनल जेड के बीच में, तो ये कर्व ऐसे जाएगा इनवर्सली है। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर है, सी एंड डी क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट्स? तो कुल मिला के जब आप, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास बहुत सारे शेल है, तो जब आप बाहर की तरफ जाते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ती है, जिससे वेलोसिटी कम होती है लेकिन रेडियस बहुत तेजी से बढ़ती है, स्क्वायर में बढ़ रही है, या सुनो। तो ये हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब इस पर प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये ई नंबर का पॉइंट हो गया हमारे पास जो आपको समझना है, यस क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे रेडियस
बहुत तेजी से बढ़ेगी और वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। लिखें इसको, पॉइंट आपका क्या बनेगा, जल्दी से बनाइए। पॉइंट बी आपने बना ही चुके हैं, रनाज आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाई जेड, यही था ना आपके पास। तो आर वन जेड वन अपॉन एन वन स्क्वायर इक्वल टू आर टू जेड टू अपॉन एन टू स्क्वायर, बोलो या सुनो, नीचे आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर एम के एस में देखेंगे तो 0.529 इंटू 10^-10, और एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो ये हटा देंगे मीटर। तो ये हमारे पास रहेगा एफ नंबर का पॉइंट। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हमारे पास रहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ लिथियम प्लस टू, मैं बता रहा हूं मुझे एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। और लिथियम प्लस टू में, लिथियम में कितने होते हैं, तीन, तो लिथियम प्लस टू में कितने होंगे, एक, एक इलेक्ट्रॉन के लिए थ्योरी लगेगी। हाँ, तो इफ रेडियस ऑफ सेकेंड शेल ऑफ लिथियम प्लस टू इज एक्स एंगस्ट्रम, देन फाइंड रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन। करिए आप इसको, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू क्या रहेगा, रहेगा इफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन टू शेल ऑफ सेम एटम, ऑफ सेम एटम इज एक्स, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस फॉर सेम शेल्स सेम शेल्स या ऑर्बिट। तो ये दो क्वेश्चन है और दोनों ही बहुत इजी हैं सॉल्व करना हमारे लिए। पहला, हमें रनाज मालूम है और रनाज से हमारे पास ये क्वेश्चन है आर वन जेड वन अपॉन एन वन स्क्वायर आर टू जेड टू अपॉन एन टू स्क्वायर, बोलो है या नहीं है। आर वन की वैल्यू जल्दी से बताओ, आर वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स एंगस्ट्रम, जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम के लिए, थ्री, सेकेंड शेल दे रखा है यानी फोर, टू का स्क्वायर फोर, आर टू हमें निकालना है, आर टू तो निकालना है, जेड टू कौन सा है हाइड्रोजन वन, और कौन सा शेल दे रखा है थर्ड, थ्री का स्क्वायर यानी नाइन, तो आर टू की वैल्यू क्या हो गई जल्दी से बताएं आप, 27 एक्स बाई फोर, क्या सही है आपका, क्यों एक्स किस में था अंगस्ट्रम में, तो ये भी अंगस्ट्रम में होगा, ये आपका पहला आंसर हो गया। सबने सही करा, विद इन सेकेंड्स के अंदर हो सकता था क्वेश्चन, सेकेंड हमारे को दे रखा है वेलोसिटी इन टू शेल, तो आप जानते हो वी वन वी टू क्या होता है, सेम एटम है यानी जेड की वैल्यू सेम है, तो वी जन जेड बाई क्या होता है एन, तो ये क्या हो जाएगा एन टू बाई एन वन, बोलो यस और नो, एन टू बाई एन वन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको एक्स, कोई डाउट आ रहा है किसी को, तो बताइए एन वन बाई एन टू कितना होगा, वन बाई एक्स, ये पहला रिजल्ट, ये पूछा नहीं है लेकिन काम आएगा। और रनाज से आपको क्या पता चल रहा है, आर वन अपॉन आर टू का वैल्यू क्या पड़ रहा है रनाज से, एन स्क्वायर बाई जेड यानी एन वन एन टू का स्क्वायर चलेगा, जेड तो कट ही जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड में, तो बताओ आंसर क्या जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है, लिखे इसको डालना फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या चीज, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, थर्ड एप्लीकेशंस कैलकुलेशंस या कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी,
ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है। तो कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम बात कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी क्या है। यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है किस में, सर्कुलर पाथ में, न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहां रोटेट कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितने करेगा, एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, कितने करेगा, करोड़ों करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सर्कुलर पाथ है और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। तो बताइए वो नंबर ऑफ रोटेशंस, फ्रिक्वेंसी हमारे लिए क्या हो जाएगी, एन ई। ये भी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। एक फ्रिक्वेंसी म्यू वाली होती है, वो अलग है, वो नंबर ऑफ साइकिल्स है पर सेकेंड बाय वेव, वेव के लिए। यहां इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रिक्वेंसी है, हमने मान लिया इसके लिए एन ई रोटेशन हो रहे हैं। तो आप ही बताइए 1 सेकेंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, एन ई, यानी डिस्टेंस कितने नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन, बाय इलेक्ट्रॉन। इन 1 सेकेंड कितना होगा, एक पूरा रोटेशन में कितना होता है, 2 पाई आर। तो एन में कितना होगा, एन रोटेशन में एन ई 2 पाई आर। बोलो क्लियर है? एक राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एन ई राउंड में कितना होगा, 2 पाई आर एन ई। और ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वी, वेलोसिटी के इक्वल भी होती है। पक्का? तो बताइए v, आप चाह सकते हो तो डिस्टेंस लिख सकते हो v t, t की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे को एन ई निकालना है, तो एन ई की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन 2 पाई आर। अरे वाह, एन ई की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन 2 पाई आर। किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या समझने में? खत्म बात। तो अब आपके पास इसकी वैल्यू निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, वी की रख सकते हो, आर की रख सकते हो, लेकिन मेरे लिए की पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। फर्स्ट, एन प्रोपोर्शनल किसके आता है, वी बाई आर, और वी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वी जन जेड बाई एन, और आर किसके प्रोपोर्शनेट है, रनाज एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन ई किसके प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो कुल मिला के सेकेंड रिजल्ट जो हमारे पास आएगा, एन ई वन एन वन क्यूब अपॉन जेड वन स्क्वायर इज इक्वल टू एन ई टू एन टू क्यूब अपॉन जेड टू स्क्वायर। ये दो रिजल्ट हमारे पास इंतजार कर रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? एक बार और बता देता हूं, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इन 1 सेकेंड, ये हमारे लिए एन ई है। और आगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, 2 पाई आर एन ई, और ये किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड वी के इक्वल भी है। तो वी की एन ई की वैल्यू क्या होगी, वी अपॉन 2 पाई आर। आर की वैल्यू जानते हैं, वी की वैल्यू जानते हैं, आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू कितनी होती है, 2.18 × 10^6 जेड बाई एन, और आर की वैल्यू क्या आती है, 0.529 × 10^-10 एन स्क्वायर बाई जेड, और बाकी तो रख सकते हो 2 और π। तो ऐसे करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन कुछ रिजल्ट हैं जो आपके पास सही है। एक और रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है सी नंबर का, और वो है कर्व एनी वर्सेस एन के बीच में कर्व क्या होगा।
इनवर्सली हाइपरबोला टाइप, और एन ई वर्सेस जेड के बीच में कर्व क्या होगा? यहां एन कांस्टेंट है और यहां जेड कांस्टेंट रहेगा। कर्व बनाने में तो आपको आना चाहिए थोड़ा सा। यहां एन ई किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? 1/n³। और यहां एन ई किसके प्रोपोर्शनल होगा? एन स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये तो रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे लिए बहुत इजी सा टॉपिक हो गया, टाइम पीरियड यानी कि टाइम ड्यूरेशंस, यानी इसकी डेफिनेशंस क्या होगी हमारे पे। टीई इज द रिक्वायर्ड टाइम इन सेकेंड फॉर कंप्लीट वन रोटेशंस, वन रोटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एट इन एटम इन ऑर्बिट ऑफ एटम। यानी आसान भाषा में समझे तो इलेक्ट्रॉन यहां से घूमे और वापस यहां आके बैठ गया, एन इक्वल टू वन। तो जो टाइम लगा उस टाइम को ही टी ई कह रहे हैं हम। ये टाइम पीरियड बिल्कुल कुछ और नहीं, टी ई की वैल्यू क्या होती है, एक सेकंड में जो टाइम लग रहा है वो क्या होगा? 1/ne होगा। एनी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना टाइम लगेगा, एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/ne। तो टी ई जस्ट किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/ne के इन्वर्सली। और एनी क्या था आपके पास, याद करो, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये हो जाएगा एन जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? एन क्यूब बाय, पक्का लॉक कर दें या आप एक काम करो इसको डेराइव करना चाहते हो तो कर लो। एन ई किसके प्रोपोर्शनल था आप बताओ? वी अपॉन आर। तो टी ई किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर अपॉन वी, आर अपॉन वी होगा। तो टी ई की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी, आर क्या प्रोपोर्शनल है हमारे पास, रनाज एन स्क्वायर बाई जेड, और वी हमारे लिए क्या हो जाएगा, वी जन जेड बाई एन। तो हमारे लिए टी ई किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास पॉइंट्स रहा, जो कि बहुत आसान है, और आसान है तो कुछ सिंपल से पॉइंट भी बनेंगे। ए टी ई 1 z1 स्क्वायर इज इक्वल टू n³ इज इक्वल टू टी ई 2 z2 स्क्वायर अपॉन n³। ये हमारे पास बहुत इजी सा रिजल्ट्स बन जाएगा, और साइड रिजल्ट आपका इंतजार कर ही रहे हैं, जो कि बहुत इजी कर्व है। ए बी पॉइंट आपका बन जाएगा कर्व किसके बीच में, टी ई वर्सेस एन, और एक हो जाएगा टी ई वर्सेस जेड। टी ई वर्सेस एन के बीच में कर्व कैसा आएगा? टी ई किसके प्रोपोर्शनल है? एन क्यूब। तो सीधा पैराबोला की तरफ जाएगा ऊपर, और ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल 1/z² 1/z का भी ऐसा होता है, 1/z² का भी ऐसा होता है, और 1/z³ का भी ऐसा ही होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये दो कर्व आपको आने चाहिए, बना लिया आपने, करिए इसको।